नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो कि आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से वैकेंसी निकली हुई है। इसके अंतर्गत मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी दूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है, इसके लिए 25 जनवरी 2024 यानी कल की डेट में, परसों की डेट में ये निकाला गया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन NHM इसके अंतर्गत ये रखा गया है। इसमें 5582 वैकेंसी हैं, जो कि ये आप देखिए, मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। वर्टिकल जो रिजर्वेशन है, जनक के लिए 2233, EWS के लिए 5558, OBC के लिए 1508, SC के लिए 1172, ST के लिए 111, टोटल 5582। जैसे मैं वुमन के लिए वर वन मतलब 1116, PW के लिए 223 और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 279 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 111 वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफाई मांगी गई है वो कंप्लीट आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ फॉर नर्स आपने कर रखी है, या फिर पोस्ट ऑफ बेसिक BSc कर रखी है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने CHSN कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, लास्ट डेट जो है 21 साल से 40 रखी गई है और रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज पर UP गवर्नमेंट की पॉलिसी उस हिसाब से रहेगी। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 20,500 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ दी जाएगी और 15,000 रुपये पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो दोस्तों, लगभग 35,000 आपको महीने का पड़ेगा। अब इसके लिए बात करते हैं, ऑनलाइन जो पोर्टल खुला हुआ है उस पोर्टल पर अप्लाई करना है, जो कि 29 जनवरी 2024 से यानी कल से शुरू होगा 11 बजे से और 7 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसके लिए आपको विजिट करना होगा अपनी नज़दीक वेबसाइट है UPNRHM.gov.in पर जा सकते हैं और वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा, आपका ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन रहेंगे, उसके बाद डिटेल्ड एडवांट देखने के बाद एलिजिबिलिटी देखा जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियों में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी जानकारी यहाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।